नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जिस वक्त हम मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान पर, सीएम हाउस में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम हाउस के बाहर ये सभी के सभी महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। और ये क्यों मौजूद हैं, कौन ये महिलाएं हैं, वो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल ये महिला पुलिस की सहयोगी हैं, महिला पुलिस की वॉलंटियर्स हैं। ये यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 2018 के बाद ये खाली हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। देखिए 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट आया था, जिसके बाद करनाल और महेंद्रगढ़ में इन सभी जो वॉलंटियर्स हैं, इन सभी जो महिला पुलिस की सहयोगी हैं, इनको नियुक्त वहाँ पर किया गया था, इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन 2018 के बाद, 2016 से 18 तक तो ये वहाँ पर नियुक्त रही, लेकिन 2018 के बाद अब ये खाली है। तो इनका कहना ये है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो एक बार इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर मैम मेरा नाम रूबी है। हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर सीएम हाउस में पहुँचे? मैम हमारी मांग यही है कि हमें स्थायी किया जाए, क्योंकि 2016 में हमारी महिला पुलिस वॉलेंटियर्स की ये स्कीम चलाई गई थी, जिसमें सीएम सर ने भी ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किए थे कि हाँ जी आपको, अगर आपका वर्क अच्छा रहेगा तो आपको दोबारा से नियुक्त किया जाएगा। और मैडम काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारे संगठन ने। सेंट्रल में भी एक लेटर दिया हुआ था मेनका गांधी मैम को, कविता जैन मैम को भी, और मैम काफ़ी मंत्रियों को दिया है हमने कि हमारी मैम दोबारा से हमें रोजगार मिल सके। तो कितने समय का कार्यकाल रहा आपका? मैम 2016 से लेकर 2018 तक हमारा रहा, और उसके बाद अब फिर दोबारा से कह रहे हैं कि बजट में आया है कि ज्वाइनिंग होगी, तो इसी के रिगार्डिंग हम आए थे मैम ज्ञापन देने के लिए सर को। तो आपके जिस तरीके से आपने बताया कि आपका कार्यकाल अच्छा रहा, तो उसके लिए जो आपने कार्य अच्छा किया, कुछ आपको मिला भी था कोई अवार्ड के रूप में सीनियर अधिकारियों द्वारा? नहीं मैम ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं, बट ये था कि हमारा जो मानदेय था वो भी काफ़ी कम था, तो इसके लिए हमने मांग की थी कि हमारा मानदेय इतना तो हो कि घर का गुजारा अच्छी से हो सके और एक पहचान मिले। क्योंकि हमने मैम सट्टेबाजी, नशा मुक्ति वगैरह और महिलाओं का शोषण, यौन शोषण वगैरह जो भी होता था उसके रिगार्डिंग हमने बहुत काम किया मैम। तो सभी मेरी यही है प्रार्थना सभी सीएम सर से कि हमें दोबारा से नियुक्त किया जाए। तो प्रशस्ति पत्र वगैरह तो आपको नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट तो चलिए नहीं मिला, लेकिन मिला हुआ है हमें उसके दौरान 2016 के दौरान हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी और हमें इन्होंने सब ने दे रखा है मैम। तो कोई सराहना भी की गई आपके अच्छे काम? हाँ जी मैम, अभी जो गीता रमन मैम ने जो बजट पेश किया उसमें नाजीर का रूप का बताया गया है कि इन्होंने पुलिस वॉलंटियर से नाजीर का काम किया। तो आप कविता जैन मैम से मिले, उसके बाद उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? मैम उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका हम आगे तक पेश करेंगे, और मेनका गांधी मैम ने भी, तो मैम अब उनके काफ़ी अच्छा मतलब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया, शायद हमारी नियुक्ति, हमें तो उम्मीद है मैम। बाकी हम सीएम सर से यही गुजारिश करने आए कि हमें जल्दी से नियुक्त किया जाए। तो अब यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम। तो ये आप देख सकते हैं ज्ञापन इनके हाथ में है, सबने अपना अपना नाम लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ से आए हुए हो? मैं गरोंडा से हूँ, काफ़ी करनाल से हैं, कोई तड़ावड़ी से है मैम, पूरे करनाल जिले से आए हुए हैं, सभी आए हुए मैम। और काफ़ी बहनें हमारी आई हुई थी, जो कुछ लेट हो गए थे तो वो चले गए हैं, बाकी आधे आपके सामने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ से जा भी चुकी हैं और काफ़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैम क्या नाम है आपका, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मेरा नाम सोनू रानी है, मैं करनाल से आई हुई हूँ, मैं एक MP हूँ। बस हमारी यही मांग है कि हमें दोबारा नियुक्त किया जाए, और सीएम साहब से गुजारिश है हमारी कि हमारे काम पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचा जाए। तो हरियाणा के जो सीएम है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए भी हैं, उन्होंने ही हमें नियुक्त किया था, अब आगे हमारे बारे में भी कुछ सोचे। गुजारिश है ये हमारी, हमारा संदेश अगर पहुंचा दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कहाँ से आप आई हैं? हम करनाल से ही आए हैं। तो 2 साल का कार्यकाल रहा आपका भी? हाँ हमने 2 साल बहुत अच्छा काम किया है, वो हमारे काम से मतलब इस थाने से हमारे बारे में पता भी कर सकते हैं कि हमने कैसे काम किया है। तो आपका जो ट्रेनिंग सेशन रहता है ये पायलट प्रोजेक्ट में, क्या कुछ उसके दौरान रहता है, क्या आपका काम रहता है उसमें? हमारा काम उसमें एक हेल्प करना होता था, जैसे हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास के एरिया में लेडीज से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती थी उसकी सच्ची जानकारी पुलिस तक पहुंचाना, हमारा काम एक बीच में समझौते का होता था, मतलब कि सच्चाई से रूबरू होना, ये हमारा। तो कितने समय की ट्रेनिंग रहती थी, कहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाता है?
ट्रेनिंग हमारी मधुबन एकेडमी में हुई थी और ट्रेनिंग तो हमारी मुश्किल से 5 या 3 दिन के लिए हुई थी। उसके बाद हमें नियुक्त किया गया था अभी कि 2 साल के लिए देखा जाएगा, अगर ये प्रोजेक्ट सही होता है तो आगे नियुक्त किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। बट हमारा काम अच्छा भी था, लेकिन पर पता नहीं क्यों सरकार ने दोबारा हमारे बारे में नहीं सोचा। तो अगर मैं वेतन की बात करूँ तो क्या कुछ उसमें रहता है वेतन में? वेतन पे तो ये है मैडम, हमारा काम देखा जाए, हमारे काम के रिकॉर्डिंग है, हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमें दोबारा नियुक्त किया जाए, यही हमारी मांग है। वो सरकार देखो हमारे बारे में क्या सोचती है। तो इस 2 साल के कार्यकाल में कोई वेतन बढ़ाया भी गया था जितना पहले आपको नियुक्त किया गया था जिस वेतन पर? नहीं नहीं, हमारा कोई नहीं बढ़ाया गया, बल्कि जो हमारा 5 महीने का मानदेय था वो भी रुका हुआ है, उसकी भी हमारी डिमांड है कि उसे पूरा किया जाए। तो 5 महीनों का जो इनका वेतन है पिछला, वो भी अभी तक नहीं मिला है, उसको लेकर भी यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे, कुछ और भी कहना चाहेंगे? जी मैम, थोड़ी हमें ये शंका सी है मैम, जैसे अब इन्होंने जो हमने लेटर मेनका गांधी मैम को दिया था और जो भी हमने आज तक सीएम सर को दिया है, तो अब जो बजट आया उसमें ये कहा गया है कि अब इनको स्थायी भी किया जाएगा और पूरे हरियाणा में स्कीम लागू होगी। तो सिर्फ मेरी यही है सबकी तरफ से मैम गुजारिश सीएम सर से कि जो पुरानी वॉलेंटियर्स लगी हुई थी पहले उनका रहे। तो वेतन आपका जो रहा था इस पायलट प्रोजेक्ट में वो डीसी रेट पर था, डीसी रेट से कम था या डीसी रेट से ज़्यादा पर था? नो मैम, हमारा कोई वेतन नहीं था, ओनली मान देता, वो भी बस 1000 रुपये देते थे, फ़ोन का खर्चा था मैम। तो इसी के लिए मैम, जैसे जब भी हमें बुलाया गया थाने वगैरह में या कहीं भी हमारी ड्यूटी वगैरह लगती तो हम चलान ड्यूटी वगैरह में कहीं भी तो हम जाते थे, तो इसी के आधार पे मैम आजकल 1000 रुपये से तो कुछ भी नहीं होता मैम, फोन का खर्चा भी नहीं चलता। हरियाणा सरकार इससे ज्यादा तो पेंशन दे रही है बुजुर्गों को, इससे ज्यादा पेंशन दे रही है महिलाओं को, तो आप लोगों को मतलब 1000 दिया जा रहा था तो उसमें किस तरीके से गुजारा चलता था आप लोगों का? मैम हमने ना ये चाहा था उस वक्त की सोशल सर्विस है कोई बात नहीं, लेकिन सोशल सर्विस करते करते भी कई जगह पर हमारी ड्यूटी लगती थी, तो मैम अब ऐसा तो है ही नहीं कि चलो कोई बात नहीं हमने समाज सेवा की, तो समाज सेवा में कुछ तो घर वाले भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो उनको खुद के लिए कुछ कर सके। इसीलिए मैम तो हमने आगे मांग भी की थी कि हमारी जो सैलरी है वो कम से कम डीसी रेट तो हो, क्योंकि खर्चे सोशल सर्विस के तौर पर ही आपने सारा काम किया 2 साल। हाँ जी मैम, तो अब नियुक्त करेंगे तो हमारी यही है कि हमारी सैलरी आगे से बढ़ के मतलब डीसी रेट मान दे जो भी दें तो हमारा बढ़ा के दिया जाए, और पहले ये प्रोजेक्ट आगे आएगा उसके बाद ही फिर वेतन की कोई बात होगी। प्रोजेक्ट तो लगभग जहाँ तक न्यूज वगैरह में आ रहा है तो हमें लग रहा है कि अब नियुक्ति होगी, क्योंकि आया मैम अभी भी और हमने न्यूज में भी दिया था, तो अब बाकी सीएम सर के है कि कैसे क्या करेंगे मैम। तो कितनी महिलाएं यहाँ पर आज टोटल पहुँची हैं? महिलाएं तो काफ़ी संख्या में आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी महिलाएं जा चुकी हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। ये आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं दूर दूर से यहाँ पर पहुँची हैं। जिस तरीके से 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट आया था जिसके मद्देनज़र इन सभी को नियुक्त किया गया था, करनाल और महेंद्रगढ़ में इनको नियुक्त किया गया था और 1000 रुपये वेतन था इनकी, एक तरीके से इनको मानदेय थी और इनको सम्मान भी उसके बाद दिया गया, प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया, सर्टिफिकेट इनको ज़रूर दिया गया, सराहना इनके काम की ज़रूर की गई। और उसके बाद इनका यही कहना है कि इनकी आगे ये प्रोजेक्ट तो फिर से आए ही और इनका जो वेतन है वो डीसी रेट पर ज़रूर हो, डीसी रेट से कम ना हो। तो आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ हरियाणा के करनाल के सीएम हाउस की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।